अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, लेक्चर नंबर 11, टॉपिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के लिए किन किन चीज़ों किन किन बातों को मद्देनजर रखा जाता है, कौन से पहलू हैं इनमें, हिस्ट्री, ऑब्जेक्ट, स्कोप, साइट सिलेक्शन, फिजिकल डेटा, डिटेल सर्वे, डिजाइन ऑफ ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशंस, BOQ बिल ऑफ क्वांटिटीज, एग्जीक्यूशन मेथड्स, तरीकेकार किस तरीके से काम करवाएंगे, सुपरविजन निगरानी किस तरह होगी, फंड्स पैसे कहाँ से आएंगे, टेक्निकल सैंक्शन कंपिटेंट अथॉरिटी इसको ओके करेगी तो फिर नेक्स्ट काम होंगे। तो अजीज तलबा, ही आज के हमारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं ये चैप्टर है प्रिलिमिनरी प्लानिंग। जब भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है उससे पहले पहले बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और अच्छा खासा खर्चा आता है इस सारे काम पे। फिर इसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन होगी साइट पर, तो साइट से पहले पहले के काम, बड़े प्रोजेक्ट्स पे तो 8-10 साल लग जाते हैं ये सारी प्लानिंग करने में। तो सबसे पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होती है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स के लिए सारे का सारा काम होता है, मसलन डैम प्रोजेक्ट्स है तो कितना खर्चा और कितनी बोरिंग और कितना काम उस पर करना पड़ेगा, और करते करते आखिर वो दिन आता है जब टेक्निकल सैंक्शन हो जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद। अब टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसीजर के बाद फिर जाके ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आज आपका टॉपिक है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? जैसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी, ओके प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना, फायदे हैं कि नहीं है, अब तय हो गया फायदे हैं प्रोजेक्ट करना है। अब प्रोजेक्ट पे बहुत सारे काम किए, डिटेल सर्वे किए, सब साइल सर्वे किया, ड्राइंग स्पेसिफिकेशन एस्टिमेशन कंप्लीट सारा डाटा करने के बाद अब इस सारे डाटा को शामिल करके जो एक रिपोर्ट फाइनल शक्ल बनेगी इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। आइए आप देखते हैं इसमें किन किन बातों को की डिटेल्स इस रिपोर्ट में शामिल करनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री हमें बताना पड़ेगा। तो हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने ये मिसाल ली है रोड प्रोजेक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, और वो भी एक स्मॉल रोड। अजीज तलबा आपको समझना आसान होगा, एक 5 किलोमीटर की रोड है एक गांव को शहर से मिलाने के लिए बनानी है, इसके लिए फिजिबिलिटी भी ओके हो गई, अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब हम हिस्ट्री में क्या लिखेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की? इलाके वाले शदीद मुश्किलात का शिकार थे, शिकार हैं और इनको मुश्किलात हैं, तकालीफ हैं, इनके मसाइल हैं इनको अपने गांव से शहर तक आने में और चीज़ें गांव की प्रोडक्ट्स शहर पहुंचाने में, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं इसी तरह शहर से चीज़ें लाने में इनको ट्रबल है। इसको आप क्योंकि जदीद दौर है, आप गाड़ियाँ आ गई, ट्रैक्टर ट्रॉलीज आ गई, आपको गधे गाड़ी वाला रवाज तो नहीं रहा, तो इसके लिए ये हम हिस्ट्री में लिखेंगे। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट्स, ज़रूरत। अब हिस्ट्री की जो मुश्किलात थी इसी को दूसरा रंग दे के हम ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, इस रोड से ये ज़रूरतें पूरी होंगी, गांव वाले अपना गन्ना अपनी गंदम अपनी चीज़ें प्रोडक्ट्स शहर तक पहुंचाएंगे, इसी तरह शहर से अपनी ज़रूरियात वापस इधर गांव तक लाने के लिए, और तलबा अपने स्कूल जाने के लिए, ऑफिस के लोग वैलेंटाइन ऑफिस में पहुंचने के लिए ज़रूरत थी, इसलिए ये रोड बनाई जा रही है और इसकी वेट्स इतनी है, इस रोड पे काम होगा। इसके बाद स्कोप, अब इस प्रोजेक्ट के साथ साथ कितने और दीगर बेनिफिट हासिल हो रहे हैं, इस रोड से लेट्स से कोई टाल प्लाजा भी बनेगा, कोई टाल चुंगी इतना, इससे हम गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को लॉन्ग रन में ये सारे का सारा खर्चा पूरा हो जाएगा, और ये हम स्कोप में लिखेंगे, और साथ साथ दीगर इर्द गिर्द के गाँव वो भी इससे कनेक्टेड हो जाएंगे, तो ये सारी बातें हम इसमें स्कोप में हम लिखेंगे रोड प्रोजेक्ट के केस में।
अब साइट सिलेक्शन, साइट का भी तय किया जाएगा किस किस रूट से, रोड प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो तो बताना पड़ता है कि फलां इलाके में फलां जगह पे, तो रोड प्रोजेक्ट है तो कहाँ कहाँ से इसकी अलाइनमेंट गुजरेगी, ये हम साइट सिलेक्शन इसको कहेंगे। फिजिकल डेटा, अब इस इलाके की क्या सूरत हाल है, रेनफॉल की क्या सूरत हाल है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इस पर क्या पढ़ते हैं हम, एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और इस पे प्रोजेक्ट्स के लिए दौरान ज़रूरत के तहत पानी दस्तयाब होगा, लेबर दस्तयाब होगी, मटेरियल मिलेगा, ये सारी की सारी बातें फिजिकल डाटा में आ जाएगी, जो कुछ हम NSL इस इलाके के क्या है ये सारे डिस्कस करेंगे और सब साइल स्टेटा किस तरह का है ये भी डिस्कस होगा। डिटेल सर्वे, अब रोड प्रोजेक्ट में डिटेल सर्वे तलबा पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी, कौन कौन से सर्वे होंगे, प्रोफाइल्स तैयार की जाएंगे, प्रोफाइल के लिए अलाइनमेंट सर्वे होगा, डिज़ाइन सर्वे किया जाएगा, लेवलिंग की जाएगी, बाद जगह पर जरूरत पड़ी कंटूरिंग भी होगी, फिर क्रॉस सेक्शनिंग की जाएगी, तो इसके नतीजे तक ड्राइंग भी बनाएंगे, अब डिज़ाइनिंग होगी, ग्रेडियंट तय किया जाएगा, इसके अलावा कहीं पर कलवर्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, और इसी तरह रिटेनिंग वॉल्स, ये भी कहाँ कहाँ रिटेनिंग वॉल्स आएंगी, इस सारे का सारा काम इसकी डिज़ाइन में शुमार होगा। तो ड्राइंग सर्वे की भी बनती गई, अब डिज़ाइनिंग के बाद फाइनल हमारे पास प्रोफाइल ड्राइंग आ गई, क्रॉस सेक्शन आ गए, और इसी तरह पेमेंट डिज़ाइन, बेस की थिकनेस कितनी, सब बेस की थिकनेस कितनी, सबसे की थिकनेस कितनी, शोल्डर कितने, विड्थ कितनी, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और पेमेंट डिज़ाइन दोनों के दोनों की डिज़ाइनिंग करने पड़ते हैं और इनको फाइनली ड्राइंग की शक्ल में हम एग्जीबिट दिखाना पड़ता है। ये डिज़ाइन एंड ड्राइंग स्पेसिफिकेशन में हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल की क्वालिटी क्या है, सॉइल कहाँ से लानी है, बेस मटेरियल कहाँ से लाया जाएगा, बिटुमेन एस्फाल्ट बिटुमेन ये किस क्वालिटी की होगी, ये सारी स्पेसिफिकेशन में हम तय करते हैं क्योंकि रोड प्रोजेक्ट है, रोड के एतबार से हम देखेंगे और कंक्रीट की क्वालिटी क्या होगी। अब मजीद सारे एस्टिमेशन करने के बाद मटीरियल्स की स्टेटमेंट और मशीनरी कितनी यूटिलाइज हो रही है, मैन पावर कितनी खर्च हो रही है, सारा फाइनल बिल ऑफ क्वांटिटी कॉस्ट कितनी आ रही है, ये नंबर ऑफ बिल्स बेशुमार बिल्स बनाने पड़ते हैं, साइट क्लियरेंस है और ग्रबिंग एंड क्लियरिंग है, इसी तरह बेस पे खर्च कितना है, सब बेस पे खर्च कितना है, इन सब को कंप्लीट करके कलवर्ट ब्रिजेस सारे जितने आइटम हैं इनलेट आउटलेट ये सारे हम इसका एक पी ए क्यू बन जाएगा फाइनल शक्ल, और इसके बाद एजुकेशन मेथड तय किया जाएगा, आया कि कंट्रैक्टर से करवाना है, छोटा रोड है डिपार्टमेंटल इसको खुद करना है और कंट्रैक्टर भी उसकी नोयत क्या होगी, बहुत बड़े प्रोजेक्ट हों तो जॉइंट वेंचर तरीके से हम करवाते हैं, मटेरियल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा या मटेरियल भी कंट्रैक्टर खुद देगा, ये एजुकेशन मेथड तय किया सुपरवियन इस प्रोजेक्ट के लिए तय किया जाएगा कि सुपरवियन निगरानी कौन करेगा। बड़े प्रोजेक्ट्स में तो बाकायदा कंसल्टेंट रखे जाते हैं, तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं तो डिपार्टमेंट खुद भी सुपरवीन कर सकता है। फंड्स, MNA के फंड से पैसे आए, MPA के फंड से आए, लोकल गवर्नमेंट ने फंड प्रोवाइड किए, जो वॉलंटेरली लोगों ने डिपॉजिट बस के तौर पे अपने खर्चा दिया, जैसे गवर्नमेंट ये हमारे टेक्निकल अदारे बनाकर दे रहे हैं रोड, तो ये फंड्स का तय करेंगे। एट लास्ट टेक्निकल सेंक्शन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको सारी रिपोर्ट देखने के बाद, आमतौर पर छोटा प्रोजेक्ट है तो एक्सिम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, बड़े प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट ज़्यादा हो तो इसके ऊपर SC और फिर चीफ, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स के लिए तो टेक्निकल सेंक्शन इसी को कहते हैं। अब ये प्रोजेक्ट ओके है, फनी लिहाज से सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं, अब इसको एग्जीक्यूट किया जाए। अब नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा टेंडरिंग, टेंडरिंग के बाद कॉन्ट्रैक्टिंग, तब जाके एग्जीक्यूशन। उम्मीद है कि आप लोग ये सारा का सारा प्रोसीजर समझ गए होंगे, तो ये सारा ऑप्शन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम चलता रहता है। तो अजीत तलबा इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, जिंदगी रही तो अल्लाह हाफिज़।